तो गाइज ये है वीवो का Y20A और ये जो फ़ोन है एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है और ये जो वीवो ने इसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इस फ़ोन का जो वेरिएंट है वो आपको 3GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है और इसका जो प्राइस रखा गया है 11,490 रुपये। तो आज हम लोग करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है, इसका जो फीचर्स है। और इससे पहले कि हम लोग इस फ़ोन के बॉक्स पैकिंग पे एक नज़र डालें, तो वीवो ने यहाँ पे अपना ब्रांडिंग करा है और इस फ़ोन के बॉक्स के बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को 5000 mAh का बैटरी मिलता है, AI माइक्रो कैमरा मिलता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो फ़ोन है ऑलरेडी अभी अभी लॉन्च करा गया है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो फोन जो है फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है, अभी इसे हम लोग ओपन करेंगे और आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ एक्सेसरीज देखने को मिलता है। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर देखें तो एक सिलिकन केस और वारंटी कार्ड और यहीं पे हम लोगों को सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिलता है। एंड ये है वीवो Y20A और ये जो है यहाँ पे हम लोगों को नेवला ब्लू कलर में देखने के लिए मिलता है। तो फ़ोन जो है यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी इस फ़ोन को साइड रखते हैं और इसके साथ आने वाले जो कुछ और बॉक्स कंटेंट है तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है 10W का ट्रेवल अडेप्टर और आपको USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल भी देखने को मिलता है। ये था वीवो Y20A का बॉक्स कंटेंट और ये है वीवो Y20A का एक लेटेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन। और इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो ये फाइनली क्लीन हो चुका है। और ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं यहाँ इसका जो कलर है नेवला ब्लू कलर है, ग्लोसी फिनिश है और ये जो है आपको 2.5D कर्व डिज़ाइन के साथ मिलता है। और ये जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका सिग्नेचर डिज़ाइन है, मतलब कि फ़ोन जो आपको जिस प्राइस में मिल रहा है यहाँ पे इसका प्रीमियम लुक देता है 11,490 रुपये में। और यहीं पे पीछे में हम लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है और वीवो ने नीचे में अपना ब्रांडिंग करा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के डिज़ाइन को लेकर तो ये जो फ़ोन है पॉलीकार्बोनेट से बना मिलता है, ग्लोसी फिनिश देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सही है। एंड इस फ़ोन के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पावर कीज एंड वॉल्यूम कीज भी देखने को मिलता है। पावर कीज के अंदर हम लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सो ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी यहाँ पर फास्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काम करता है 0.26 के अंदर में, मतलब कि ये जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पे काफ़ी फास्ट है। और इस फ़ोन के टॉप साइड पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डेडिकेटेड सिम ट्रे लगाने का ऑप्शन मिलता है। एंड इस फ़ोन के बॉटम साइड पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन, नॉइज़ कैंसलेशन माइक एंड यहीं पे चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन। सो ये आपका पावर बैंक की तरह भी काम करेगा क्योंकि इस वीवो Y20 के अंदर आपको रिवर्सिबल चार्जर जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और यहीं पे हम लोगों को इस फ़ोन के अंदर आउटपुट स्पीकर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो वीवो Y20 है ऑलमोस्ट डिज़ाइन और इसका जो कलर है नेवला ब्लू काफ़ी यहाँ पे आपको कूल देखने को मिलता है। एंड इसका जो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है यहाँ पर ये भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। एंड इसका जो मेन कैमरा है वो यहाँ पर आपको 13 MP में देखने को मिलता है। दूसरा जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर 2 MP सुपर माइक्रो लेंस देखने को मिलता है, जिसमें कि माइक्रो लेंस में आपको काफ़ी इनहेंस टेक्नोलॉजी यूज करा गया है, AI टेक्नोलॉजी इस कैमरे के अंदर में यूज किया गया है। और तीसरा जो कैमरा है यहाँ पे आपको 2 MP में डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। और बात करें इस फ़ोन के फ्रंट साइड में तो इसके फ़ोन के फ्रंट साइड में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको 720x1600 का आ जाता है। और इस फ़ोन के डिस्प्ले में इन सेल टेक्नोलॉजी यूज करा गया है जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस और इसका जो वीडियो प्लेबैक एक्सपीरियंस होगा
यहाँ पे मोर कलरफुल होगा, मतलब कि काफ़ी बढ़िया कलर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो वीवो ने इस बार काफ़ी बढ़िया करा है इस प्राइस रेंज में। और अगर बात करें हम लोग इस फ़ोन के हार्डवेयर को लेकर, तो इसके अंदर हम लोगों को क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि काम करता है वीवो का अपना टेक्नोलॉजी गेमिंग टर्बो 3.0 के ऊपर, तो जिससे कि आपको इस वीवो Y20 में हैवी गेम भी प्ले करने में आपको थोड़ा स्मूथ फील होगा। और इसके अंदर हम लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जिससे कि आप 16 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे, या फिर आप गेमिंग करते हैं तो आप इसको 11 आवर्स तक कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। तो वीवो Y20 जो है, सबसे खास जो इसका बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है फनटच ओएस 11 है, और बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 11 के ऊपर। तो फ़ोन ऑलमोस्ट काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिलता है। वीवो Y20 का कैमरा जो है काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, ऑलमोस्ट डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। तो बस आज का मेन पर्पज़ था आप सभी को इस फ़ोन का फर्स्ट लुक दिखाना, बॉक्स कंटेंट दिखाना, और कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में आप सभी को बताना। तो होप करते हैं कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।